हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपियर हो रहे हैं फॉर दिसंबर 2019। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की कौन सी अजम्पशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस आपकी कितने टाइप की होती है। देखिए, अगर हम बात करें यूटिलिटी एनालिसिस की, तो ये मेजर दो टाइप की होती है। सबसे पहला होता है आपका कार्डिनल अप्रोच एंड सेकेंड होता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। और आपका ये कार्डिनल अप्रोच क्या है एंड ऑर्डिनल अप्रोच क्या है। देखिए, अगर हम बात करें कार्डिनल अप्रोच की, तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि जो यूटिलिटी आपको मिलती है किसी भी गुड को कंज्यूम करने से, आप उसको क्वांटिटी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। दैट इज यूटिलिटी इज मेजरेबल। और ऑर्डिनल अप्रोच आपको क्या कहते हैं कि जो भी आपको यूटिलिटी मिलती है किसी भी गुड को कंज्यूम करने से, आप उसको क्वांटिटी टर्म्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते हैं, और अगर आप उसको मेजर करना चाहें तो आप उसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या बोला गया, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, बट अगर आप उसको चाहें तो ग्राफिकली शो कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे हम क्या यूज करते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ओके, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू यूटिलिटी को शो किया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं एजम्पशंस की। अगर हम बात करें एजम्पशंस की, तो यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर एज्यूम किया गया है कि जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सी एजम्पशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल। तो अभी हमने बात करी कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका इनकरेक्ट होगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर हम बात करें कार्डिनल अप्रोच की, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अजम्पशन क्या है कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रहेगी, बट यहाँ पे क्या लिखा गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये आपका है करेक्ट आंसर। ओके, डी पॉइंट की बात कर लेते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ये अज्यूम किया गया है कि जो यूटिलिटीज होती हैं वो एडिटिव होती हैं। दैट इज अगर मान लीजिए आपको ए से कोई ए गुड है, उससे आपको 10 यूटिल्स मिले हैं, बी से आपको 20 मिले हैं, सी से आपको 30 मिले हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो आपको टोटल यूटिलिटी मिली है ए बी सी से वो 60 मिली है। ओके, तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, 60 की। तो ये होता है आपका हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, और आपको यहाँ पे लिस्ट वन को मैच करना है लिस्ट टू के साथ। तो लिस्ट वन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, क्रॉस डिमांड, ज्वाइंट डिमांड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंक्रीज इन डिमांड की, तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए आपका डिमांड कर्व कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे होता है आपका प्राइस, ये होती है आपकी क्वांटिटी। नाउ अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि डिमांड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे प्राइस के बारे में कुछ गिवन नहीं है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो हम प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे। अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगा और डिमांड इंक्रीज होगी, तो जो आपका डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, तो ये होगा आपका डी, ये होगा डी वन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, तो आपका जो डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बी की बात करें, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, देखिए ये है आपका डिमांड कर्व, यहाँ पे आपका प्राइस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए प्राइस के अंदर चेंज आने से डिमांड के अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे आपका डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या एक्सपेंड कर सकता है। अगर मान लीजिए आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मान लीजिए पी वन हो गया ये, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। ओके, और अगर मान लीजिए प्राइस के अंदर डिक्रीज होने से क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। बट यहाँ पे आपसे क्या बोलेगी, ये कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड के बारे में पूछा गया है। ओके, क्रॉस डिमांड क्या होती है, देखिए क्रॉस डिमांड का मतलब ये होता है अगर किसी एक गुड के प्राइस के अंदर चेंज आने से
किसी दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस डिमांड। ओके, नाउ जॉइंट डिमांड का क्या मतलब होता है? देखिए, जॉइंट डिमांड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी दो गुड्स की डिमांड एक साथ करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आप कार की डिमांड कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ पेट्रोल की भी डिमांड करेंगे। ओके, अगर वो पेट्रोल कार है तो। अब हम लिस्ट टू को देखते हैं। लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखिए, यहाँ पे मूवमेंट की बात की गई है और लेफ्टवर्ड मूवमेंट किसके अंदर हो रहा है? देखिए, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड के अंदर। तो यहाँ पे आपका ए किससे मैच कर रहा है? बी के साथ। ओके, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अभी हमने इसके अंदर देखा कि आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है अगर प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा और अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए से। डिमांड ऑफ मोर देन वन कमोडिटी टू सेटिस्फाई वन स्पेसिफिक वांट। तो यहाँ पे दो कमोडिटी की एक साथ डिमांड हो रही है सो दैट आप किसी भी स्पेसिफिक वांट को सेटिस्फाई कर पाए, तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? जॉइंट डिमांड। ओके, क्रॉस डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड ऑफ वन कमोडिटी विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड। ओके, तो अगर किसी एक कमोडिटी के प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है और दूसरे कमोडिटी के क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रॉस डिमांड। ओके, तो फोर्थ आपका किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हेन। तो यहाँ पे आपको बताना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो सेकेंड स्टेज होता है प्रोडक्शन का वो कहाँ पे एंड होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? देखिए, आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर एंड सेकेंड होता है आपका वेरिएबल फैक्टर। नाउ अगर हम मान लीजिए आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कोई भी चेंज लेके आ रहे हैं तो आपकी प्रोडक्शन के अंदर कितना चेंज आ रहा है, दैट इज आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, इसको मेजर किया जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। ओके, तो इसके अंदर एक ग्राफ बनता है, आपको पता होगा, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो कुछ इस तरीके का बनता है। देखिए, ये होता है आपका टोटल प्रोडक्ट टीपी, जहां पे आपके स्टेजेस होते हैं। ये होगा स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री। थ्री में डिक्लाइन होने लग जाता है आपका टोटल प्रोडक्ट। नाउ सेकेंड में हम क्या करेंगे? मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट को शो करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होता है, एवरेज प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका एपी, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये आपका टोटल प्रोडक्ट, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट और ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल इनपुट बिकम्स मैक्सिमम। देखिए, अगर सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे एंड हो रहा है, तो सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है आपका? यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? जीरो है। ओके, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, दैट इज इनकरेक्ट। बी क्या कह रहा है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी आर इक्वल। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की और एवरेज प्रोडक्टिविटी की, तो दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम जीरो एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी इज पॉजिटिव। तो ये आपका करेक्ट है। देखिए, आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है? जीरो है, दैट इज करेक्ट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट इज नेगेटिव एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी इज पॉजिटिव। ये कब होता है? ये थर्ड स्टेज में होता है। ओके, देखिए थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी नेगेटिव हो चुकी है। ओके, और आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी अभी भी पॉजिटिव है। ओके, तो ये थर्ड स्टेज में होगा और ये आपका सेकंड स्टेज में। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बस एक ग्राफ याद रखना है, टोटल प्रोडक्टिविटी का, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी का। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस द डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर आपका डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे आपको बताना है कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। ओके, तो अगर हम बात करें डिमांड कर्व की, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ इस तरीके का होगा,
ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो होती है इनफाइनाइट। ओके, ये आपका डिमांड कर्व है और यहाँ पे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ओके, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ऐसा क्यों है, देखिए, बिकॉज यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है। सो अगर आप प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं, दैट इज अगर आपका प्राइस P1 भी होता है, तो यहाँ पे आप डिमांड को देख सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड बिल्कुल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी इलास्टिसिटी अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे आप अपने प्राइजेस के अंदर माइनर चेंज भी नहीं लेके आ सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। ओके, और मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, जो भी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस हैं उसके थ्रू आपका मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है। और ऐसा डिमांड करो कब एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। ओके, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर क्या होता है, आपका जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ओके, अगर मान लीजिए आपका डिमांड कर्व वर्टिकल है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे कह सकते हैं आपका जो इलास्टिसिटी है वो जीरो है। इसका क्या मतलब है, देखिए आप प्राइस को चाहे P0 रखिए या P1 रखिए, ओके, आपका चाहे प्राइस कुछ भी हो, देखिए आप डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ओके, और ऐसा कब होता है, अगर आप कोई भी नेसेसिटी गुड सेल कर रहे हैं, दैट इज अगर आप उसका प्राइस बढ़ा भी देंगे तो यहाँ पे उसकी डिमांड रिड्यूस नहीं होगी। ओके, और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशंस द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस रिजिडिटी इज फाउंड। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मार्केट सिचुएशन के अंदर प्राइस के अंदर रिजिडिटी देखी जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या कहेगी मैंने, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, ओलिजोपोलिस्टिक मार्केट एंड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मार्केट। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको हिंट के थ्रू बताना चाहूंगा। देखिए प्राइस रिजिडिटी हमेशा उस मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है जहां पे डिमांड कर्व के अंदर किंग फॉर्म होता है। ओके, और ये किंग कौन सी मार्केट के अंदर फॉर्म होता है और प्राइस रिजिडिटी कौन सी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है, आप इसको कमेंट में करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।